जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने जीवन में धन से संबंधित समस्याओं से कैसे बच सकते हैं, यानी लक्ष्मी प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, जीवन में बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं जो हमें निभानी होती है, और समय इतनी महंगाई का है कि हम कमाते भी हैं, जिम्मेदारियाँ इतनी हैं कि हम उन्हें पूरा करते करते कुछ बचा ही नहीं पाते, और इतना कमाते भी नहीं कि जितना खर्च हो जाता है। तो कुछ ऐसे उपाय हैं, क्योंकि यदि ईश्वर का साथ हमें प्राप्त हो जाए तो विकट से विकट परिस्थिति भी हल हो सकती है, क्योंकि इष्ट कृपा सबसे बड़ी कृपा है। यदि इष्ट की ही कृपा हो गई, भगवान की ही कृपा हम पर हो गई, तो कोई भी समस्या क्यों ना हो, उसका हल निकल ही जाता है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही उपाय आपसे शेयर करना चाहती हूँ, शायद वे आपके जीवन में कुछ बदलाव कर सके यदि आप उन्हें करते हो। देखिए, सबसे पहले मैं पीपल के वृक्ष के उपाय आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पीपल के वृक्ष के नीचे जो उपाय किया जाता है मित्रों, वो शनि देव जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि कभी कभी शनि की कुदृष्टि के कारण हम जीवन में संकट प्राप्त करते हैं। तो शनि देव जी को प्रसन्न करना भी अनिवार्य है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको शनिवार के दिन शाम के समय आपको दीपक जलाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। आप आटे का चौमुखी दीपक भी ले सकते हो, लेकिन दीपक का जो आटे वाला आप दीपक लोगे, उसका ध्यान आपको ये रखना है कि वो सीधा ज़मीन पर नहीं रखा जाता, यानी जड़ में जब जलाते हैं तो उसे सीधा ज़मीन पर ना रखें, किसी पत्ते पर, या तो पान के पत्ते पर या कोई और पत्ता आप ले सकते हो, उस पत्ते को रखिए और उसके ऊपर वो चौमुखी दीपक हमें जलाना है। तो ये भी आप कर सकते हो, ये आप 11 शनिवार भी कर सकते हो, ये नियम में आपको करना होगा, उसके बाद ही आपको इसका परिणाम देखने मिलेगा। आप सिंपल मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो, जो आपको सुविधा, जिसमें आपकी सुविधा है, आप वो लेकर ये उपाय कर सकते हो। तो नियम से शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखी आटे का दीपक या फिर सिंपल मिट्टी का दीपक आपको जलाना है, सरसों के तेल का। तो इस प्रकार आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। और शनिवार के दिन सुबह के समय एक लोटे में आप जल लेकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर आप उसमें अपनी परछाई देखें, अपना मुख देखकर आप पीपल के वृक्ष के नीचे उसे जड़ में चढ़ा दें। ये भी बहुत प्रभावी उपाय है। आप शुक्रवार के दिन भी लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय कर सकते हो। आप माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अर्पण कर सकते हैं, और प्रत्येक शुक्रवार को एक लोटे में जल लेकर कमल गट्टे, उसमें कुछ कमल गट्टे डालकर माँ लक्ष्मी को स्नान करवाएं, उन्हें अच्छी तरीके से उनको विराजमान करें और उनकी पूजा करें, लेकिन गणेश जी महाराज के साथ, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी पूज्य हैं, तो उनका ध्यान हमें सदैव रखना है। कोई भी पूजा हो तो गणेश जी का ध्यान करके ही हम आगे बढ़े, वरना हमारी वो पूजा सफल नहीं हो पाती। तो मित्रों, आप ये भी कर सकते हो, और आप श्री यंत्र की भी पूजा कर सकते हो। आप छोटा श्री यंत्र आता है, अपने पर्स में लेकर भी आप जहाँ भी जाते हैं सदैव अपने साथ श्री यंत्र लेकर चले। और देखिए, आप किसी भी सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक जला सकते हैं, लेकिन प्रत्येक सोमवार को जो भी देखिए आप उपाय करें, वो नियम में बंद कर करें। ऐसा ना करें कि आप करें कभी ना करें, आपने एक बार तो कर लिया फिर अगली बार आपने नहीं किया। तो नियम का आप ध्यान रखें थोड़ा सा, और या तो आप 11 सोमवार कर सकते हो, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, 11, 21, तो आप एक संकल्प लेकर बेलपत्री के नीचे दीपक जला। और मित्रों, आप उपाय कोई भी कर रहे हो, चाहे आपको कोई भी बता रहा है, जो भी आप उपाय करते हो उस पर श्रद्धा और विश्वास सदैव बना कर रखें, क्योंकि यदि आप विश्वास के बगैर कोई उपाय करते हो, सिर्फ सोचते हो कि ट्राई करके देख लेते हैं या करके देख लेते हैं कुछ होगा, तो ऐसा ना सोचें। इष्ट पर, ईश्वर पर पूरा विश्वास रख कर कि हाँ, मेरा ये कार्य शनिदेव जी करेंगे या मेरा ये कार्य महादेव जी करेंगे, पूर्ण विश्वास आपका उस जगह पर होना चाहिए, तभी आप सफल हो पाओगे।
तो कोई भी कार्य करे, पूजा पाठ करे, पूरे श्रद्धा भाव और विश्वास से करे। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ ये जानकारी आपके काम आए और आपको पसंद आई हो। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपने पूजा पाठ में ऐसे ही लगे रहें, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।